दमोह के अस्पताल चौराहे पर दमोह विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भाजपाइयों के सामने ताल ठोककर उन्हें चैलेंज किया। सोमवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों की महारैली कलेक्ट्रेट पहुंचनी थी, जहां सभी को नामांकन दाखिल करना था। घंटाघर से अस्पताल चौराहे की ओर कांग्रेस प्रत्याशियों की रैली आ रही थी। अस्पताल चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस की रैली बैंक चौराहा की तरफ रुक कर गई और पीछे से भाजपा समर्थकों की रैली आ गई। अस्पताल चौराहे पर भाजपा समर्थकों ने अपने प्रत्याशियों के जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इधर कांग्रेस समर्थक भी अपने प्रत्याशियों के नारे लगाने लगे। माहौल एकदम गर्म हो गया और अचानक ही कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन जोश में आ गए और अपने ओपन जीप से निकलकर बोनट पर खड़े हुए और डांस करने लगे। इसके बाद उन्होंने भाजपाइयों की ओर इशारा करते हुए ताल ठोकी और कई बार उन्हें अंगूठे भी दिखाए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भाजपा और कांग्रेस के समर्थक अपनी अपनी ओर से अपना अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते रहे। पुलिस ने दोनों ही पक्षों में टकराव को रोकने के लिए काफी प्रयास किए। हालांकि कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, लेकिन करीब 10 मिनट तक कांग्रेस प्रत्याशी इसी तरह बोनट पर खड़े होकर डांस करते रहे और ताल ठोकते नजर आए। भाजपा समर्थकों के सामने आज आपका ताल ठोकने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, क्या मानते हैं आप? मैंने तो पहले कहा, मैं तो हमेशा ताल ठोकता हूँ, आज थोड़ी ठोक रहा है। जिसको टकराना हो भाजपा को आ जाए, टकरा ले हमसे। खिलाड़ी की भावना से ताल ठोक रहे हम खिलाड़ी की भावना से। और अभी हमारी उम्र ताल ठोकने की है,